जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी ओरजाट। आज इसमें अपने चर्चा करने वाले हैं आप सभी के लिए, खास तौर से भर्तियां कैलेंडर के अंदर जारी हो चुकी है और वो कैलेंडर में जारी होने के बाद सभी विद्यार्थियों के एक मन में डाउट सा आ जाता है कि इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए, सिलेबस है, योग्यता है, आयु है, इन सारी तमाम जानकारियाँ मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। और इस हिसाब से हम इस भर्ती के बारे में लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच में। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की भर्ती आई है, इसके अंदर क्या योग्यता रहती है और इसके अलावा इसके अंदर क्या जो आपका एग्जाम पैटर्न है इसके अनुसार क्या आयु वगैरह रहती है, क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी रहती है, सारी चर्चा करते हैं। देखो, इसके अंदर बात करूं तो आपके लिए जो सुनहरा अवसर है 2025-26 के अंदर आपको सफलता मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस भर्ती के बारे में, योग्यता के बारे में, कि ये जो भर्ती है इस भर्ती के अंदर योग्यता क्या रहती है। देखो, इसके अंदर आज से पहले सीधी डायरेक्ट आपके लिए भर्ती होती थी और डायरेक्ट आपकी सफलता मिलती थी, आपको कोई दिक्कत नहीं थी बीच में। और अब इसके अंदर एक दिक्कत और आ गई, जो है आपकी सीईटी। सीईटी के अंदर आप 40% लेके आ रहे हैं, वो भी ग्रेजुएशन लेवल की, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और इसके बाद वही एलिजिबल होते हैं इसके अंदर, एक इसके अंदर खास तौर से और ध्यान रखना, जो लाइब्रेरियन की किसी ने किसी डिग्री कर रखी है, जो आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने लाइब्रेरियन की ग्रेजुएशन की है, लाइब्रेरी साइंस में की है, तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल है, या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा आपने किया है तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश राजस्थान नॉलेज तो वो तो आपको है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। आयु की बात करूँ तो आप इसके अंदर 18 साल से 40 साल तक आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अनुसार बात करूं और आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो भी इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो आपकी एससी एसटी ओबीसी को जो छूट मिलती है वो इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर बात करूं जो आपका मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपकी जो डिग्री है लाइब्रेरियन की होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। और इसके अनुसार और बात करूँ मैं आपके लिए जो सिलेबस के बारे में, ये जो पिछली भर्ती का सिलेबस बता रहा हूँ, लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर सिलेबस में ज़्यादा नया सिलेबस आ जाएगा तो उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही चेंजेज हो सकते हैं, ज़्यादा चेंजेज नहीं होंगे, या कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं या फिर पैटर्न बदल दिया जाता है, इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ वो आप सारी चीज़ें आज से ही पढ़ना शुरू कर देना, आपके लिए एग्जाम डेट जो घोषित हो चुकी है आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसके अंदर आप देख रहे हैं पेपर फर्स्ट के अंदर ज्योग्राफिकल हिस्ट्रिकल कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आपका राजस्थान जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राजस्थान जीके के अंदर एक आपका हिस्ट्री हो गया और एक इसके अंदर आपका हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी हो गया, एक इसके साथ साथ आपकी जो आपकी कल्चर आ गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर पॉलिटिकल नाम नहीं दिया है, लेकिन आप साथ साथ में पॉलिटिकल साइंस भी बेसिक तौर से पढ़ते जाना है, ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस, आपको पॉलिटी या राजव्यवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स दिया है, ज़्यादा नहीं है, ये राजस्थान का ही करंट अफेयर्स दिया आपको, बाहरी जो इंटरनेशनल और नेशनल नहीं दिया आपको, करंट अफेयर्स दिया है, आप इसको भी पढ़ते जाइएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर जो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के अंदर आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछा है, तो इसके अंदर ज्योग्राफी भी आपकी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, इसके अंदर पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडिया, ये तो सिर्फ इंडिया की है। और इसके अंदर वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड की एक तो जियो देख लेना आप, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर वर्ल्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना, ज़्यादा पॉलिटिकल में ज़्यादा वर्ल्ड की नहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसके अंदर साइकोलॉजी है, इसके अलावा साइकोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 और 200 मार्क्स का रहता है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और टोटल पेपर आपको 400 मार्क्स का होता है। सेकेंड पार्ट जो रहेगा उसके अंदर आपका सब्जेक्ट रिलेटिव रहेगा और आप सब्जेक्ट को बेहतरीन करेंगे तो ये इसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा, वो भी आपका बराबर मार्क्स खींच रहा है, जिसके अंदर देख सकते हैं नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड जो आपका रिट्रेवल जो आपका है, 100 क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर भी 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, वो सब्जेक्ट पर आप डिपेंड करेंगे कि आपका सब्जेक्ट अच्छा मजबूत है तो आप सिलेक्शन लेंगे, अन्यथा आपका नहीं होगा। ठीक है,
इसके अंदर 100 क्वेश्चन मल्टीपल आंसर रहेंगे, ये सारी इसके अंदर जानकारी दे रखी है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% दे रखा है और बाकी कैटेगरी को कुछ छूट भी दे रखी है, शेड्यूल कास्ट वगैरह, और इसके अंदर 5% छूट दे रखी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। अब इसके अनुसार बात करूँ सिलेबस के, टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में, तो वो भी आपको मैंने मोटा मोटी चीज़ तो बता दी। फर्स्ट पेपर के अंदर आपका राजस्थान का जीके है करंट अफेयर्स है, और इंडिया का वर्ल्ड का जीके है साइकोलॉजी है। अब सेकंड पेपर के अंदर आपको यूनिट वाइज बांट रखा है, तो इस यूनिटों को आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से चेक कर लेना। सेकंड पेपर जितना बेहतरीन करोगे जितना ही आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो आपका है, ये सब्जेक्ट आप सारे एक एक करके आराम से पढ़ लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध है अपने करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी मदद से आपको ये सारी PDF वगैरह आपको अवेलेबल होती रहती है। वहाँ पर हर एक जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको ऑथेंटिक रूप से मिल जाती है। ठीक है, और इसके अंदर बात करूँ जो आपका टॉपिक है, ये जो दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, इस हिसाब से आपकी 5-6 यूनिट जो आपकी टोटल है वो आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी। ये 4 यूनिट ही है आपके लिए, इन 4 यूनिट को आप बेहतरीन पढ़ लेंगे। 4 यूनिट का काफ़ी सिलेबस बड़ा हो तो हो जाता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे पढ़ने से बेहतरीन सरकारी नौकरी जो आपकी लाइब्रेरियनगढ़ थ्रेड की, वो आपके गांव के अंदर बेहतरीन मिल सकती है, और इस हिसाब से आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। अब किसी को कोई डाउट हो इसके अंदर तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने सिलेबस के बारे में, योग्यता के बारे में, आयु के बारे में बेसिक जानकारी सारी अपने देख ली थी। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिए, हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।